बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू मा जाआ इज़ल तकल खितानान वजबल गुस्ल। अन आयशत रदियल्लाहु ताला अन्हा कालत इज़ा जावज़ल खितानुल खिताना वजबल गुस्ल फ़अल्तुहु अना व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ग्तसलना। वफ़िल बाबी अन अबी हुरैरत व अब्दुल्लाह इब्न अम्र व राफ़िअ इब्न खदीज। وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل। जब दो कटे हुए हिस्से, मर्द का कटा हुआ हिस्सा खतना और औरत का कटा हुआ हिस्सा खतना मिल जाएं, इल्तिका कर जाएं, तो गुस्ल वाजिब हो जाए। तो जब मर्द के और औरत के दोनों कटे हुए हिस्से मिल जाते हैं तो उससे गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे इंजाल मनी हो या न हो। अरब में ज़माना जाहिलियत में औरतों का भी खतना किया जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये रिवाज कदरे था। इस्लाम ने इस सिलसिले में कोई हिदायत नहीं दी, बाद में चलकर ये रिवाज भी ख़त्म हो चुका है। बरखिलाफ़ लड़कों के खतने के, इस्लाम की अदम हिदायत से ये पता चला कि औरतों का खतना जायज़ नहीं। अगर जायज़ होता तो इस्लाम इस सिलसिले में रहनुमाई करता। जबकि लड़कों के खतने के सिलसिले में अशरुम मिनल फितरा वाली हदीस मौजूद है कि ये सुन्नत इब्राहिमी है, और इसी तरह से लड़कों के खतने के सिलसिले में और भी अहादीस मौजूद है। तो लड़की के खतने को अरबी में खिफाज कहा जाता है। तो इबारत यूं होनी चाहिए कि इज़ा इल्तकल खितानुल खिफाजा, कि जब मर्द का कटा हुआ हिस्सा खितान खिफाज से मुल्तका हो जाए, मिल जाए, लेकिन मुशाकलत की वजह से दोनों को खितान कह दिया गया है। दौर अव्वल में अंसार और कुछ मुहाजिरीन की राय ये थी कि इंजाल जब तक न हो उस वक्त तक गुस्ल वाजिब नहीं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मौजूद था अलमा व मिनल मा, जो अगले बाब में इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह पेश फरमा रहे हैं। तो अलमा व मिनल मा की वजह से पहले शुरू ज़माने में कुछ अंसार और कुछ मुहाजरीन की राय ये थी कि जब तक इंजाल न हो गुस्ल वाजिब नहीं। मुहाजरीन की राय ये थी कि महज जिमा से गुस्ल वाजिब हो जाता है। अक्सर मुहाजरीन की ये राय थी। दलील आयत पाक है औ लामस्तुमुन निसा। यहाँ तक कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया, तो जब दौरे खिलाफत उमर आया तो इस मसले पर गौर करने के लिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन जमा हो गए। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि अज़वाज मुतहरात से इस्तफ़सार किया जाए और उनसे पूछा जाए कि इस सिलसिले में हुज़ूर सल्लम का क्या अमल रहा है। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास भेजा, जो हुज़ूर सल्लम की अजवाज में से थी और हज़रत उमर फ़ारूक की बेटी थी। तो उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर सल्लम का कोई अमल इस तरह का मेरे साथ नहीं हुआ है। तब हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत आयशा के रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास भेजा, तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि हाँ, ऐसा अमल मेरे साथ हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया है महज जिमा से। चुनांचे इस वक्त से लेकर आज तक इस पर इजमा हो चुका है। उस वक्त भी इजमा हुआ तो ये इजमा से साबित हुआ। अब इस मसले में किसी का इख्तलाफ नहीं है, इसलिए इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ फरमा रहे हैं वह कौलु अक्सर अहले इल्म, ये भी इमाम की ताबीर का एक तरीक़ा है, वरना इस पर इजमा हो चुका है और किसी का इख्तलाफ इसमें नहीं है। वल्लाहु आलम।
आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोनपे या बैंक अकाउंट के जरिया मदद कर सकते हैं।